हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, हमारी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें और डियर ढेर सारी खुशियां आपकी लाइफ में यूनिवर्स, डिवाइन जो है, ईश्वर जो है, लेके आए। और डियर, यहाँ पर आज जो टॉपिक हम निकाले हैं वो टॉपिक रहेगा कि किसका अहंकार यहाँ पर टूटेगा। तो आज हम अहंकार को, किसी के ईगो को देखना चाहते हैं कि किसका ईगो यहाँ पर टूटने वाला है और किसको बहुत घमंड है। कहीं ना कहीं वो ये सोचता है कि आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा तबाही लाकर, आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा उथल पुथल लाकर वो खुश है, तो उसका अहंकार टूटेगा या नहीं। या फिर ये देखने की कोशिश करेंगे किसका अहंकार टूटेगा, आपका बुरा करने वाले का क्या अहंकार टूटेगा या नहीं टूटेगा, क्या उसको सदमा मिलने वाला है और क्या उसका घमंड टूटेगा। तो इस बात के ऊपर टॉपिक है कि आपका बुरा करने वाले का अहंकार, आपके आपका बुरा करने वाले को क्या सजा मिलने वाली है या फिर क्या उसका अहंकार टूटेगा जो वो सोचता है कि वो कुछ भी कर ले या किसी भी तरह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करे और उसकी लाइफ को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये उसकी जो गलत फहमियां है वो क्या हटेंगी। तो चलिए कार्ड निकालते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या कार्ड निकले हैं, क्या एनर्जी यहाँ पर निकली है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में जो कार्ड्स है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आप देख पा रहे हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ से हमारे पास में, डियर यहाँ से हमारे पास में है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स है, फोर ऑफ पेंटिकल्स है, पेंटिकल्स की एनर्जी हैवी दिखाई दे रही है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के बाद में यहाँ से हमारे पास में है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके डियर, वॉन्ड्स भी हमारे पास में है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी हमारे पास में दिखाई दे रही है, हेरोफेंट की एनर्जी है डियर हमारे पास में, यहाँ से एस ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, तो पेंटिकल्स का इशू बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ से पेज ऑफ सोर्ड्स है डियर, दो दो पेज की एनर्जी आ रही है और यहाँ से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है, तो दो क्वीन भी आई है। और बात करी जाए डियर यहाँ से कि बॉटम की एनर्जी जो है उसको देखा जाए तो यहाँ से पेंटिकल्स के ही इशू निकल के आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ पेंटिकल्स पर फोकस जा रहा है। यूं समझ लीजिए कि ये जो इंसान है इसका पूरा पूरा फोकस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पेंटिकल्स की तरफ है। देखिए बॉटम की एनर्जी से नाइट ऑफ पेंटिकल्स है और डियर यहाँ पर हमारे पास में बॉटम की एनर्जी से जो पेंटिकल्स इश्यू निकल के आया उसमें दिखाई दे रहा है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, तो ये दो कार्ड यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एट ऑफ सोर्ड्स भी है। चलिए ठीक है, ओके, चलिए सारे कार्ड्स आपके सामने हैं। बात करी जाए साइन की तो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है और डियर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन बहुत 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 हैवी दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, किसका अहंकार टूटेगा यहाँ पर, आपका बुरा करने वाले को क्या सदमा लगने वाला है और डियर किसका अहंकार यहाँ पर टूट रहा है, आपका बुरा करने वाले का क्या अहंकार टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली ही चीज अगर मैं आपसे बोलूं तो डियर सब कोई तो है आपकी लाइफ में जिसको कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि सफलता से जलता है डियर, आपकी सफलता से, आपकी सक्सेस से उसको बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा आपके मान सम्मान से प्रॉब्लम है डियर, आगे तरक्की ना कर पाओ आप उससे भी उस इंसान को प्रॉब्लम है। कोई तो है आपकी लाइफ में जो आपकी सक्सेस, आपकी तरक्की, आपके लाइफ में जो भी सक्सेस की तरफ आप बढ़ रहे हो वो देख के बहुत जलता है, उसको बहुत घमंड रहता है, बहुत ईगो में रहता है वो इंसान, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अपनी जिंदगी में आप उलझ जाओ, अपनी जिंदगी में फंस जाओ, तकलीफ में आ जाओ, है ना, उस पर आश्रित हो जाओ, ऐसी एनर्जी उस इंसान की यहाँ पर निकल के आ रही है। आप पहचान सकते हो कि ये इंसान कौन है, आपके लाइफ को खराब करने की कोशिश कर रही है या कर रहा है, ऐसी एनर्जी हो सकती है ना। अपना कंट्रोल बनाना चाहती है, अपना कंट्रोल बनाना चाहता है, आपका बुरा करने वालों ने जो चाहा वो उन पर भारी पड़ने वाला है, वो उनके लिए बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं डियर आपकी लाइफ में जो कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली अच्छा नहीं देख सकते, जो आपकी लाइफ में सक्सेस नहीं देख सकते हैं, आपकी ग्रोथ को नहीं देख सकते हैं, आपको आगे बढ़ता हुआ देखकर उनको बहुत ज्यादा ज्वेलसी होती है। तो कुछ लोग हैं ऐसे जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं इस तरह से बैठे हुए हैं सांप बनकर कि उनको बहुत अहंकार है कि वो हर बार जीत जाते हैं। तो उन लोगों की हम बात कर रहे हैं कि आपको अगर जरा भी शक होता है कि ये इंसान जो है बहुत ईगोस्टिक है और कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है, कुछ ना कुछ दिक्कतें करता रहता है, तो उसी इंसान के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है।
आपका बुरा करने वालों ने जो चाहा वो भारी पड़ गया है। कुदरत ने खेल ही ऐसा खेला है डियर, कुदरत का खेल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपकी परिस्थितियों को पूरी तरह से बदल दिया गया है, आपकी परिस्थितियां जिस भी वे में थी वो चेंज होती हुई दिख रही है। आपकी लाइफ में तो स्टेबिलिटी आ गई है, आपकी लाइफ में एक ऐसी स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। जो लोग आपको तोड़ना चाहते थे, जो लोग आपको नीचा दिखाना चाहते थे, है ना, अब आपकी लाइफ पर उन लोगों का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने जैसा कहा कि यहाँ पर कुदरत का खेल शुरू हो गया है और कुदरत अब आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कुदरत जो है अब आपको कहीं ना कहीं सेफ कर रहे हैं, है ना। कोई कितना भी आपको नीचा दिखाने की कोशिश क्यों ना कर ले, आपको मतलब गलत ठहराने की कोशिश क्यों ना कर ले, पर उसी इंसान का अहंकार टूटने वाला है, उसी इंसान की जिद जो है वो टूटने वाली है। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ठीक है। ये चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको पैसा मिला है, आपको पैसा मिलने वाला है डियर, और उसको आपने किसी को बताया है या फिर बताने वाले हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। या फिर ऐसा मुझे क्लियरिटी आ रही है कि आप किसी बिजनेस में या आपको कैरियर में या कहीं से आपके पास पैसा तो बहुत आया है, फाइनेंशियली आपके पास में बहुत सारा रुपया पैसा आया है, और वो बात आपने किसी से शेयर कर दी है, किसी को बता दी है, और जिस भी इंसान से आपने शेयर करी है या बता दी है वो इंसान जो है कुंडली मारकर बैठा हुआ है, सांप बन के बैठा है आपकी जिंदगी में फन फैलाकर, कि जैसे ही आपको सक्सेस मिले, जैसे ही आपकी लाइफ में बहुत सारी तरक्की हो, पैसा आए, और वो इंसान जो है झपट्टा मार ले, डस ले, है ना, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और वो इंसान जो है अंदर से कुड़क गया है, बहुत ज्यादा जलन थी उसके अंदर, मन में बहुत ज्यादा अशांति, आपने इनको बताया और काम पर असर पड़ा है। हो सकता है ना डियर, आपने यहाँ पर शेयर करा कि भाई मेरा तो बिजनेस बहुत जोरों से चल रहा है, मुझे तो इतना प्रॉफिट हुआ है, और दूसरे ही पल आपको बहुत ज्यादा लॉस फील करना पड़ा, आपका बिजनेस जो है ठप होने लगा, किसी की नजर लग गई, है ना। तो होता है ना कि हम अपने ही काम को अपनी ही नजर लगा देते हैं, तो हमने तो बोल दिया कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन सामने वाले ने भी उस चीज को और नजर कर दी है, तो वो चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर काम पर असर पड़ा है, मेहनत कर रहे हैं पर उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, उतना फायदा नहीं मिल रहा है। अब आप समझ रहे हो किससे शेयर की थी बातें, आ रहा है ना दिमाग में, आपको भी डाउट हो रहा है कि यार मैंने तो अपने लाइफ का जो सक्सेस था, अपनी लाइफ की जो खुशियां थी, मैंने तो इस इंसान से शेयर करी थी, और फिर मेरे लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो गई, है ना। तो वो चीज मुझे दिख रही है। देखिए प्रॉब्लम है क्योंकि मेरा भी थॉट चक्र जो है बोलने में प्रॉब्लम कर रहा है, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। इस इंसान ने ऐसा कर रखा था कि आप इसके सामने कुछ मुंह ना खोल पाओ, कुछ बोल ना पाओ, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। ये इंसान की नजर जो है बेकार है, हो सकता है कि इसकी नजर ने अच्छे अच्छे रिश्तों को खराब कर दिया, वो वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। सब कुछ कुछ खराब एनर्जी से भी आपके पार्टनर के ऊपर काम किया गया है ना। इन एनर्जी का खेल है डियर, यहाँ पर किसी तरह का तंत्र मंत्र, किसी तरह की एनर्जी का खेल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ ये जो इंसान है वो शेयर नहीं करता है अपनी बातें, अपने लाइफ का सीक्रेट बिल्कुल शेयर नहीं करता, दूसरों की बातें खरोच खरोच के पूछ लेगा कि भाई तेरी लाइफ में क्या चल रहा है, कौन तेरी गर्लफ्रेंड है, कौन तेरा बॉयफ्रेंड है, तूने क्या खर्चा करा है, तूने क्या पैसा दिया है, इस तरह की आदत इसकी दिखाई दे रही है। घमंड है, और मैं अपनी पार्टनर को दिखा, मतलब पार्टनर को, है ना, ऐसा यूं समझ लीजिए कि ये जो इंसान है वो शेयर नहीं करता है, ये ईगो में रहता है, ठीक है, इसको ईगो बहुत है, मैं आपको बता रही हूँ, उसकी एक वो घमंडी बहुत है, और ये अपनी जो पावर है उसको दिखाने की कोशिश करता है। माना कि इसके पास में इतनी पावर भी नहीं है, लेकिन ये ऐसा दिखाने की कोशिश करेगा कि बहुत अच्छे ओहदे पर है, बहुत अच्छा पोस्ट पर है, ऐसी एनर्जी ये दिखाता है। ये इंसान भोला भाला जो लोग हैं उनकी दिखाने की कोशिश करते हैं, तो डियर आपको सतर्क रहना है, क्योंकि ये जो इंसान है जिसकी एनर्जी आ रही है कि नकाब लगा के बैठा है, ये मुकोटा लगा के बैठा है ना, और कहीं ना कहीं हरकत यहाँ पर दिखाई दे रही है, दूसरों को ब्लेम करना, है ना, वो वाली चीज दिखाई दे रही है। आपके साथ हरकत करके खुश होते हैं ये लोग, जो लोग आपका बुरा चाहते हैं, ये अहंकार में जीते हैं डियर, इनके अंदर बहुत बहुत ज्यादा अहंकार है, बहुत ज्यादा घमंड है, और दूसरों की चीजों को हड़प लेना, दूसरों की चीजों को अपना कह देना, ऐसी आदत इन लोगों की दिखाई दे रही है। झूठ बोलना, अपनी गलती नहीं मानना, है ना, इतना खराब लहजा यूज करना, इतनी खराब बातें यूज करना कि अपनी रिस्पेक्ट जो है बहुत
गलत करके रखी है, ये चीज दिखाई दे रही है। अभी यहाँ पर अपने रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है इस इंसान को, और दूसरों की जब इंसल्ट होती है, दूसरों को जब कुछ कहा जाता है तो इसको बहुत खुशी मिलती है, तो खुश होने वाली एनर्जी है। ये इंसान ऐसे हैं, ठीक है, कि दूसरों की तरह की प्रशंसा बर्दाश्त नहीं होती है। आपको किसी पर डाउट है और उनकी गलतियों को माफ करा, आप हो सकता है ना कि आपको किसी पर डाउट भी है, फिर भी आपने उसकी गलतियों को माफ करने की कोशिश करी है, पर क्या हुआ है, आपने जो माफ करा है ना उसका आपको सिला जो है अच्छा नहीं मिला है। भलाई तो करनी ही नहीं है डियर, आपने जिसकी भलाई करी है उसने रिटर्न में आपके साथ क्या किया, गलत कर दिया। गलत मीन्स आपके साथ में बुरा कर दिया है ना, आप तो भलाई कर रहे थे पर उस इंसान ने गलत कर दिया, वो चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपको रिटर्न में आपके साथ गलत हुआ है और डियर बुरा मिला है। देखिए, इस इंसान की लाइफ में कुछ समय पहले प्रॉब्लम आई थी और आपने इनको मदद की है, हो सकता है 1 वीक पहले या फिर कुछ दिन पहले ही इसको कोई फाइनेंशियली हेल्प चाहिए थी और ये भटक रहे थे, पर आपने इनकी हेल्प करी है, तो वो चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इस इंसान ने आपको नुकसान पहुंचाया है, चोट पहुंचाई है, गलत किया है, वो सारी चीजें भी ये रियलाइज कर रहे हैं। ये इंसान को आप पहचान सकते हैं और ये बीमार रहता होगा डियर। अगर मैं इसकी बात करूं, इस इंसान को आप कैसे पहचान सकते हो, तो ये हेल्थ इश्यूज को बहुत रहता है, बेड पे पड़ा रहना, बीमार रहना और वॉकर पकड़ पकड़ के चलना है ना, या फिर किसी होता है ना डंडी वगैरह से चलता है तो या चलती है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। ये बीमार रहते हैं, चलने में प्रॉब्लम है इनको, ये काम सही से नहीं कर पाते हैं। ये इंसान अहंकारी हो सकता है, बहुत ईगोइस्टिक हो सकता है, सामने वाले को हटाना, अपनी जिद पूरी करना, ऐसा इसका इंटेंशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है डियर, यहाँ पर कुछ चीजें ऐसे भी दिखाई दे रही है कि देखिए, अच्छा क्या है बुरा क्या है, तुम्हें अपनी जीत के पीछे किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। किसी ने तो इस इंसान को गाइड किया है कि भाई आप किसी को बुरा नहीं कर सकते, किसी की अपनी पर्सनल लाइफ है, किसी के अपने कुछ थॉट्स हैं पर्सनल, आप उसकी लाइफ में कैसे इंटर कर लेते हो, और किसी के साथ में बुरा नहीं करना चाहिए, कर्मा घूम फिर के आप ही की तरफ आता है। काफी लोगों ने इस इंसान को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करी है, पर क्या है, यही है कि तुम्हें अपनी जीत के पीछे किसी का बुरा नहीं करना है, आपको कर्मा भुगतना पड़ सकता है। किसी ने तो समझाया है इस इंसान को, ठीक है, अपने व्यवहार को बदलने की कोशिश करनी होगी आपके पार्टनर को, वो चीज मुझे दिखाई दे रही है। एक समय पर इनकी बहुत रिस्पेक्ट हो रही थी, एक समय था जब इनको बहुत मान सम्मान मिल रहा था, लेकिन इन्होंने खुद ने गलत गलत काम करके अपनी वैल्यू को खराब कर लिया है ना, पूरी वैल्यू को खराब कर दिया। अपने अहंकार में कोई प्यार देखा ना कुछ देखा, बस सब चीजें दांव पे लगा दी, ऐसा इंसान है ये इंसान। बहुत बुरे शब्द बोले गए हैं डियर इस इंसान की तरफ से, चाहे किसी भी बोले गए हों, पर बहुत बुरे शब्द बोले गए हैं, और गलती एक्सेप्ट भी नहीं करता है ये इंसान, जिसकी हम बात कर रहे हैं ना कि ये बहुत घमंडी है, बहुत ज्यादा अहंकारी है, और ये क्यों आया है, क्या चाहता है, तो ये इंसान जो है ना बहुत बहुत ज्यादा घमंडी है, बुरे शब्दों को बोलेगा, चैलेंज रहेंगे, और डियर गलती एक्सेप्ट ना करना ये सबसे बुरी बात है। अपनी और दूसरों को अपने आगे झुकाना, ये इस इंसान की सबसे घटिया आदत मुझे दिखाई दे रही है, कि अपनी गलती होते हुए भी दूसरों को बोले कि झुक जाओ भाई, मेरी गलती नहीं है, मेरे ऐसे माफी मांगो, ऐसी इसकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ऐसी वाणी बोलना जिसका कोई सेंस ही नहीं है, मतलब दिल छल्ली छल्ली हो जाए, किसी को तकलीफ हो जाए, है ना। थर्ड, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इंसान जो है अपने आगे किसी को टिकने नहीं देता है, लोग इनसे माफी मांगे, ईगो में रहें, है ना, इसमें ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत बड़े बड़े बोल बोलना आते हैं इस इंसान को, पर काम तो कुछ भी नहीं आता है डियर, बातें करने में तो माहिर है, अपनी अच्छी दिखाना इनके बारे में लोगों को पता है कि अपनी इमेज को, अपने स्टेटस को हमेशा अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। इस इंसान को पैसा चाहिए, किसी मकसद को पूरा करना है, और जमीन जायदाद कुछ तो
मामला यहाँ पर निकल के आ रहा है, जमीन जायदाद का कोई मामला, कोई कोर्ट केस चल रहा है। ये रिश्ता जो है वो पैसों पर टिका हुआ है, इसका सब कुछ अपना बनाना चाहता है वो इंसान। हो सकता है कि उस इंसान की ऐसी सोच है कि भाई ये जो है सारी चीजों को, सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम करा लेगा, है ना। और इंटेंशन अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है डियर, जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, जिस इंसान की हम बात कर रहे हैं कि इस इंसान का क्या होने वाला है, इस इंसान का हाल क्या होने वाला है, इसका अहंकार टूटेगा या नहीं, है ना, आपका बुरा करने वाले का क्या सदमा लगेगा, तो वो चीज हम क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। इस इंसान का बिहेवियर बहुत गंदा है, बहुत बहुत गंदा है। ये नोटिस करें कि ये कौन है डियर, अगर आप जानना चाहते हैं तो नोटिस करें। आप कोई चीज सॉल्व करते हैं तो ये मतलब ये सारी बातें ना जो बोलते हुए होंगे कि आपको गलत ठहराना या आपके साथ में गलत बातें करना, इसे रिग्रेट नहीं है डियर। आपको हो सकता है फिर से धोखा मिला है, धोखा मिल रहा है, मिलने वाला है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है ना। देखिए ये जो इंसान है आपका कोई पहचान वाला हो सकता है, कोई फ्रेंड सर्कल हो सकता है, या फिर वर्क प्लेस से हो सकता है, आपको नीचा दिखाना चाहता है ये इंसान, ठीक है। किसी की कदर नहीं है इस इंसान को, सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा मायने रखता है। और डियर आप इस इंसान का चेहरा जानते हो पर सबको दिखाना नहीं चाहते हो, आप इसकी असलियत सबके सामने नहीं लाना चाहते हो। कैसा मुकुटा लगाकर घूम रहे हैं ये इंसान, ये मेहनत नहीं करना जानते, ये मेहनत करके खाना नहीं जानते, ये मेहनत नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ना दूसरों को करने देते हैं। परिस्थितियां खुद बनाई है डियर, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो कहीं ना कहीं चीजों को समझ रहे हैं, चीजों को रियलाइज कर रहे हैं, और इनके आपके पार्टनर की भी एनर्जी आ रही है कि वो आपको कहीं उलझने नहीं देना चाहते। और जिसके हम बात कर रहे हैं कि ये इंसान जो है वो यहाँ पर कैसा है, तो डियर देखिए यहाँ पर वो इंसान जो है ना बहुत खराब शख्स है, वो किसी का सक्सेस, किसी की तरक्की नहीं देख सकता है ना। बुरी सी बुरी परिस्थितियों में लाकर दूसरों को रखना ये उसका काम है, कोई इनके करीब ना जाए। और झूठ, धोखा, छल करना, ज्ञानी आदमी बताना अपने आप को, है ना, दिमाग अच्छा है पर गलत जगह पर लगा रहा है ये पार्टनर। और इनको लगता है कि ये अगर आप पर नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं तो वह आपको लग जाएगी या नहीं लगेगी, तो ऐसे सोच भी है कि अगर ये नेगेटिविटी भेज रहे हैं, नेगेटिव चीजें कर रहे हैं, तो क्या वो नेगेटिव चीजें जो हैं, वो नेगेटिव बातें इसमें लगेगी, वो चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो डियर आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर वो जो इंसान है जो आपका बुरा चाहता है, जो इंसान है आपका अच्छा नहीं चाहता है, तो यहाँ पर उसका अहंकार टूटने वाला है, उसको पैसों का इतना इश्यू आने वाला है, उसको पैसों का फाइनेंशियली इतनी प्रॉब्लम आने वाली है कि वो अपनी लाइफ में कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाएगा। बहुत कंट्रोल कर लिया आपके पार्टनर को, बहुत ज्यादा उलझा लिया, बहुत ज्यादा पैसा खा लिया है, अब आपके पार्टनर को लूट के भी चैन नहीं है इस इंसान को। तो ये जो भी इंसान है ना, ये आपके पार्टनर को सदा सदा लिए अपने इसमें बांध के रखना चाहता है और निकलने नहीं दे रहा है। ओके डियर, तो वो चीज यहां पर दिख रही है।